पानिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग। सो फाइनली रईस जो 1.5 से 2 साल से मेकिंग में थी वो फाइनली रिलीज हो रही है, पर कब? हम देखें हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि मूवीज शुक्रवार के दिन रिलीज होती है, कभी कभी हम देखें कि वो बृहस्पतिवार के दिन प्रीमियर शो कर लेते हैं, बट वन ऑफ द रेयरेस्ट टाइम ये हुआ होगा कि बुधवार के दिन एक मूवी रिलीज हो रही है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों क्रिश के बाद क्रिश 2 नहीं था, क्रिश 3 आ गया? क्योंकि समवेयर दिस इज द इफेक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड शाहरुख खान एक बहुत बड़े बिलीवर है न्यूमरोलॉजी के। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि शाहरुख खान ने पहले एक मूवी की थी अशोका करके, जो उनकी एक होम प्रोडक्शन थी, जो 26 तारीख को निकली थी, विच वॉज अ बिग डिजास्टर। कॉन्सेप्ट अच्छी थी, इट वॉज वन ऑफ द शाहरुख खान फाइनेस्ट फिल्म्स प्रोबेबली, बट इट डिडंट वर्क वेल बिकॉज शाहरुख खान इज अ नंबर 2 पर्सन और उनके लिए 1, 2 और 7 बहुत लकी नंबर्स माने गए हैं। अगर आप उनके जितने भी हिट मूवीज हैं वो अगर आप देखेंगे इन द हिस्ट्री, दे ऑल कम इधर 1, 2 एंड 7, बी इट द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ शाहरुख खान। अब आप लोग अगर इसमें नोटिस करें, रईस इज ऑल्सो कमिंग टू 16, विच इज 1 एंड 6, विच आर बोथ द लकी नंबर्स ऑफ शाहरुख खान, कंपाउंड नंबर्स, एंड ये टोटल होता है 7, जो कि शाहरुख खान के लिए बहुत ही लकी रह चुका है अभी तक। शाहरुख खान जो कि अभी 52nd ईयर में चल रहे हैं अपने इस बर्थडे के बाद से, दैट ऑल्सो कम्स टू 7, अगेन अ लकी नंबर फॉर हिम। एंड कल का डेट जो होने वाला है 25 तारीख का, वो भी 7 पे आता है। सो शाहरुख खान ने अपने हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सारी चीजों को करेक्ट रखते हुए इस मूवी को फाइनली रिलीज कर रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट कॉम्पिटिशन विद काबिल, अगेन द प्रोड्यूसर ऑफ विच मिस्टर राकेश रोशन इज अ फर्म बिलीफ ऑफ न्यूमरोलॉजी। काबिल कम्स टू 1, विच इज अ लकी नंबर ऑफ ऋतिक रोशन, क्योंकि वो भी 1 तारीख को जन्मे हुए हैं और ऋतिक रोशन इज रनिंग अ ग्रेट ईयर, सो काबिल विल गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू रईस, नो डाउट अबाउट इट। एंड वी हैव सीन मिस्टर राकेश रोशन फॉलोइंग द लेटर के ऑलवेज, तो दिस इज एक्चुअली नॉट अ क्लैश ओनली बिटवीन शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन, बट अ क्लैश बिटवीन 2 फॉलोअर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो 2 लोग जो न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं वो दोनों अपनी मूवी को सेम डेट रिलीज कर रहे हैं, और देखना ये अब है कि फाइनली मूवी होती कौन सी है। वेल माई बेट्स आर हाई ऑन रईस, मैं ये मानता हूं कि रईस एक बहुत बड़ी हिट होने वाली है, इट विल डेफिनेटली बी लास्ट 3-4 मूवीज में सबसे बड़ी हिट होगी शाहरुख खान की। आई डोंट नो अबाउट द कंटेंट, बट एट द बॉक्स ऑफिस ये डेफिनेटली बहुत सारे मुलास शाहरुख खान को कमा के देने वाली है, इसलिए शाहरुख खान कहते हैं आ रहा हूं मैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ एवरीवन, थैंक यू सो मच।